अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आइयो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो नाइमा की बर्थडे पार्टी चल ही रही है और काफ़ी सारी पिक्चर्स है नाइमा की, मैंने तो नहीं ली थी, इन्होंने ले लिए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इन्होंने ले लिए तो इतना अच्छा रहा, नहीं तो इन दोनों की पिक्चर्स होती नहीं ज़्यादा मेरे पास, क्योंकि उस दिन वाकई में मैं बहुत बिजी हो गई थी तो मैंने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह नहीं ली थी। और इतने प्यारे से तैयार हुई थी और दोनों की हेयर स्टाइल की थी इस बार मैंने, और रेडी करने में कोई कमी नहीं की थी, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतने प्यार से रेडी कर ली थी मैंने टाइम निकाल के दोनों को। और दोनों की फ्रॉक गाउन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जो हमने नेक्स्ट मतलब एक दिन पहले ही लेके आए हुए थे इन लोग के लिए बर्थडे के लिए, ऐसे क्योंकि टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था, फिर मिला। और इस तरीके से मैं तो ज़्यादा कुछ रेडी हो नहीं पाई थी क्योंकि बहुत सारे काम थे, फिर खाना वगैरह खिलाना है, उसके बाद भी काम ही काम थे तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसा हो ही नहीं थी, सिंपली ही रही थी। और इस तरीके से नाइमा की बर्थडे पार्टी इतने प्यार से इंजॉय हो गई, हमने सोचे ही नहीं थे कि सभी लोग आ जाएंगे और इस तरीके से पार्टी इंजॉय करेंगे, और बहुत अच्छा लगा, सभी का शुक्रिया कि सभी लोग इस पार्टी में शामिल हुए, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से पार्टी बच्चों की मना रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम से मना ही नहीं पा रहे थे, अभी सेलिब्रेट करना बस स्टार्ट हुआ है। नाइमा का बर्थडे, फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीन का भी है, और इतने प्यारे केक लग रहे थे और बच्चे भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बस हम दोनों ने मतलब फैमिली की पिक्चर्स वगैरह नहीं ले पाए जल्दी में, हम दोनों की ना जो मेरी ज़्यादा पिक्चर्स हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि सभी लोग आ गए थे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था ये। और इतने अच्छे से घर भी इतना मसाला इतने अच्छे से डेकोरेट हो गया था, सभी चीज़ें, सभी को खाना वगैरह भी काफ़ी पसंद आया, केक वगैरह भी और मसाला घर भी सभी को बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी जितना काम हो सके थोड़ा सा आराम करके रिलैक्स होके ही की हूँ। और शीरीन ने तो काफ़ी सारी पिक्चर्स ले ली थी इनसे, डैडी से बुलवा बोल के कि मेरी ले लो, बाकी नाइमा को उतनी नहीं ले पाए थे, और लेट हो रहा था काफ़ी, मतलब नाइट थोड़ा लेट हो गई थी, नाइमा का क्या टाइम है जल्दी सोने का, तो उसका थोड़ा सा फेस दिखाने लगा था कि उसको अब थोड़ा सा नींद आना चालू हो रही है, वो बढ़िया दूध वगैरह पीती बॉटल में और अपना सो जाती है, तो उसका थोड़ा सा असर दिखने लगा था नाइमा में कि अब उसको नींद वगैरह आ रही है। और ये जो पिक्चर से कुछ मैंने शीरीन के लिए वीडियो वगैरह, जब सभी लोग का खाना वगैरह हो गया था और चले गए थे काफ़ी लोग, और तब मैंने ये पिक्चर्स वगैरह शीरीन की और वीडियो वगैरह ली थी, और नाइमा को नींद आने लगी थी तो उसके जल्दी से कपड़े चेंज करके उसको डिनर करवा के और हम लोग ने सुलवा दिए थे, तो उसकी ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह वीडियो नहीं है क्योंकि नाइमा ने कपड़े बहुत पहले चेंज किए, कट हुआ उसके थोड़े देर बाद ही चेंज कर ली थी क्योंकि उसे आ रही थी नींद। और माशाल्लाह इतनी प्यारी पार्टी इंजॉय हुई, सोचे नहीं थे, इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, और नजू ने भी इतना ज़्यादा मेहनत की, कोई कमी नहीं करी इस पार्टी में जी जान लगाने की। ये जो वीडियो देख रहा है ये मैंने लेट नाइट मतलब 12:30 करीब में बनाई हूँ, सीरी ने कपड़े चेंज नहीं की थी कि मम्मी ने मेरी पिक्चर्स फ़ोटो वगैरह नहीं ली, तो ये लास्ट में सीरीन के मैं वीडियो वगैरह बनाई हूँ बस, और नाइमा की नहीं बना पाई क्योंकि नाइमा इस टाइम बस सो गई थी, और बहुत प्यारी फ्रॉक लग रही थी और शीरीन भी इसमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो नज्जू ने बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब कि कोई कमी नहीं छोड़े हम लोग के इस खुशियों में, मार्केट मतलब सारी चीज़ें इन लोग के कपड़े वगैरह भी दिलवा दिए, और मार्केट से पूरा सामान लाना, घर का पूरा मैनेज करना सारी चीज़ें, और बाकी कुकिंग मैंने की, तो पूरे एकदम उन्होंने भी इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतने अच्छे से सारी चीज़ों में साथ दिया है, इतना अच्छा लगता है जब वो इस तरीके से साथ दे के बिल्कुल साथ में सारे काम करवाते हैं, और जितनी भी हेल्प बनती है वो इतने अच्छे से मेरी पूरी हेल्प कराते हैं, चाहे खाने में कटिंग में हो, चाहे बाहर की चीज़ें हो,
में चाहे घर में, और ये रूम वगैरह भी उन्होंने ही डेकोरेट कर दिया था काफ़ी कुछ इस तरीके से, और चीज़ें मैं पहले से डेकोरेट करते ही आ रही थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें सब कुछ इतने अच्छे से कर दिए मिलके, मतलब दोनों ने कर लिए, तो इतना आसानी से आसान सारी चीज़ें हो गई। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।